नमस्ते, कडल्स फाउंडेशन में आपका स्वागत है। हम बच्चों को उचित पोषण और देखभाल के साथ कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं। कैंसर का अनुभव हर किसी के लिए अलग होता है और कैंसर के इलाज के दौरान आपके बच्चे कुछ साइड इफेक्ट्स महसूस कर सकते हैं, जैसे कि मुंह के छाले। ये छाले दर्दनाक होते हैं और बच्चा जलन भी महसूस कर सकता है, और इसी वजह से आपके बच्चे को खाना खाने और पचाने में दिक्कत हो सकती है। आहार से इलाज में आज हम आपको इन मुंह के छालों को कम करने के कुछ आसान तरीके बताएंगे। अपने बच्चे को नरम आहार जैसे कि खिचड़ी, दलिया, मसले हुए फल, दाल या दूध में भिगोई हुई रोटियां खिलाएं, जो वो आसानी से चबा और निगल सके। अगर छालों का असर ज्यादा हो तो सूप, दाल का पानी, मिल्कशेक और छाछ जैसे द्रव्य पदार्थ पिलाने से छालों को काफी राहत मिलती है। जितना ज्यादा हो सके बच्चे को पानी जरूर पिलाएं। मुंह की सफाई बनाए रखें और भोजन के पहले और बाद कुल्ली जरूर कराएं। फलों और सब्जियों के जूस और दूध को आकर्षक आइस कैंडी के आकार में फ्रीज करें, बच्चे उसे खुशी खुशी खा लेंगे। डॉक्टर द्वारा दी गई विटामिन ई जरूर लगाएं। ये लगाने से पहले हाथों की अच्छे से सफाई करें या फिर एप्लीकेटर का इस्तेमाल करें। मुंह के छाले होने पर कुछ चीजें हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तीखी और तेल वाली चीजों को बिल्कुल ना खिलाना, खासकर अगर वो हो सड़क का खाना। सख्त खानों से रखें दूरी, बिस्किट, टोस्ट, चिक्की या हो तीखी पानी पूरी। खट्टे फल ना खाएं क्योंकि इनकी एसिडिटी से छालों को परेशानी हो सकती है। और हाँ, दांतों को आराम से घिसिए। इन सरल उपायों से मुंह के छाले कम भी होंगे और उनसे होने वाला दर्द भी। अगर आपको फिर भी कोई संदेह है तो बिना किसी संकोच के अस्पताल आकर कडल्स के डाइटिशियन से मिलिए। हम आपके बच्चे की ज़रूरतों के हिसाब से आपको एक संतुलित डाइट प्लान बना कर देंगे। ये सावधानियाँ बरतना आसान तो नहीं पर मुश्किल भी नहीं है, और हर कदम पर कडल्स आपके साथ है। ये लड़ाई अब हम साथ में जीतेंगे।